नमस्कार, मैं हूं प्रथम मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली तक। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों के उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। ये लिस्ट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को भी भेज दी है, क्योंकि कौन सी लिस्ट से कौन लड़ेगा इसका अंतिम फैसला अमित शाह ही लेंगे। लेकिन बीजेपी अभी रुकी हुई है अपने नामों को फाइनल करने में, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो बीजेपी को सारी प्लानिंग नए सिरे से स्टार्ट करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट से मनोज तिवारी या फिर आईपीएस दीपक मिश्रा को टिकट दे सकती है। वहीं चांदनी चौक सीट के लिए हर्षवर्धन, विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता के बीच में अभी चर्चा चल रही है। अगर पूर्वी दिल्ली लोकसभा की बात करें तो महेश गिरी या फिर हर्षवर्धन या फिर पार्टी अपने किसी विश्वास पात्र को टिकट दे सकती है। जहां तक बात है नई दिल्ली की सीट की, तो मीनाक्षी लेखी और सतीश उपाध्याय के नाम के बीच में तो चर्चा चली रही थी, लेकिन गौतम गंभीर ने जब से बीजेपी ज्वाइन की है अब गौतम गंभीर का भी नाम नई दिल्ली की सीट के लिए लिया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से तो रमेश भिदोड़ी फेमस हैं ही वहाँ पे और उन्हीं को टिकट मिलने की चर्चा चल रही है, जबकि पश्चिमी दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा, कमलजीत शेरावत और आरपी सिंह को उम्मीदवार बनाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से उदित राज, अशोक प्रधान और अनीता आर्या को टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें दिल्ली में 12 मई को वोटिंग होनी है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने ही सिर्फ अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने नामों को फाइनल नहीं किया है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होता है तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी को अपनी सारी स्ट्रेटेजी और अपनी सारी प्लानिंग नए सिरे से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने 7 नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन अगर गठबंधन होता है तो उनको अपने कुछ उम्मीदवारों को हटाना होगा और कांग्रेस को वहां जगह देनी होगी। आपको बता दें पिछले चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। हर्षवर्धन, महेश गिरी, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, उदित राज, रमेश भिदुड़ी, ये सारे विजय होकर आए थे। तो इसी तरह की दिल्ली से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर के लिए देखते रहें दिल्ली तक। दिल्ली तक को YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें और Twitter पे फॉलो करें। शुक्रिया।